ठंडा हो रहा है गर्मी को होता है ठंडे बाहर तो ठंडा नहीं रहता है बारिश छूट गया ना हाँ फिलहाल नहीं है नहीं वैसे आज भी बताएगा थोड़ी सी है ज्यादा नहीं है थोड़ी सी है जो अब देखते होगी नहीं जगन्नाथ जी क्या आदेश देता है इंद्रदेव को हरे कृष्ण 10 मिनट की कथा सुन लेते ठीक है बोले गिरिराज महाप्रभु की कथा सुना देता बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे गुरु ओम ज्ञान तिमिराम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथागत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्री नवद्वीप धाम की महिमा को सुनते हैं, ठीक है, और इसको बाद में ये प्रभु जी शुरुआत करें। कहते शंकर जी कहते पार्वती नवद्वीप धाम परिक्रमा की इतने महत्व है, कहते ये बात किसको विश्वास हो नहीं तो नहीं हो, लेकिन ये बात सही है। पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, कितने तीर्थ है विश्व में, बोले 6 अरब है। 1 अरब कितना होता है? 100 करोड़। बोले 600 करोड़ तीर्थ स्नान करने पर जो उसकी पुण्य मिलेगी, भक्ति मिलेगी, लाभ होगी, अगर कोई नवद्वीप धाम परिक्रमा एक बार अगर कर ले उससे करोड़ गुण भी ज्यादा उसको भक्ति की प्राप्ति होगी। शंकर जी कहते कोई विश्वास कर सकता नहीं कर सकता पार्वती, लेकिन ये बात सही है। बोले श्री नवद्वीप धाम जय। इसलिए तब उन्होंने अनंत संहिता की कथा, जो अनंत संहिता की ये कथा है, तब यहाँ पर एक समय माता पार्वती श्री शंकर जी से प्रश्न करते हैं। बोले प्रभु आपको मुंह से तो मैंने सारे भगवान के नाम सुने हैं, कृष्णा गोविंद दामोदर ऋषिकेश राम नृसिंह परशुराम बलराम, भगवान के बहुत बहुत सारे नाम सुने हैं, लेकिन कभी कभी मैं सुनता हूँ आप ऊर्ध्वमुख होकर के, मतलब मुंह को ऊपर करते हुए कभी कभी श्री सचिनंदन गौर हरि, कभी अपने श्री गौरांग श्री चैतन्य महाप्रभु, कभी कभी ये नाम को भी कभी कभी बोलते रहते हो। कहते हो कौन है सचिनंदन गौर हरि, ये महाप्रभु कौन है, ये गौरांग कौन है, आप थोड़ी सी कृपा करके मेरे को बतलाने का कष्ट करेंगे। जब माता पार्वती प्रश्न की, शंकर जी इतने खुश हो गए शंकर जी। शंकर जी पार्वती को उन्होंने आलिंगन किया है। बोले पार्वती इसीलिए तू इतने सुंदर प्रश्न की है क्योंकि तुम राधा रानी से अभिन्न है ना, राधा रानी से अभिन्न, इसलिए भक्तिवृंद ठाकुर कहते हैं ना, उमार सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सवे आप नायबाणी। कहते जितने उमा रमा सत्या सची चंद्र रुक्मिणी कौन है, ये राधा रानी ही,
राधा अवतार सब आमना वाणी, ये सब के सब श्रीमती राधा रानी की ये प्रकाश है। इसलिए तुमने इतने सुंदर तुमने प्रश्न की। देखो श्रोता जितने बढ़िया होता है ना, फिर वक्ता के मुंह से उतना बढ़िया कथा निकलता है। अगर श्रोता अगर सो जाता है फिर वक्ता तो वक्ता रहता है, वक्ता फिर वो वक्ता रहता है। इसलिए श्रोता है ना, बढ़िया श्रोता होनी चाहिए। परीक्षित महाराज बढ़िया श्रोता थे, जिनको देख करके श्री सुखदेव गोस्वामी इतने सुंदर सुंदर उन्होंने कथा सुनाई है। जब उन्होंने रासलीला सुनाने के लिए चाह रहे थे, कौन श्री सुखदेव गोस्वामी, पहले उन्होंने नजर डाले यहाँ कौन कौन बैठे हुए, यहाँ कोई अधिकारी है कि नहीं है, लेकिन देखा कोई ज्ञानी कोई कर्मी कोई जोगी कोई भोगी बैठे हुए है, तो जटा जुटाधारी 88,000 ऋषि, लेकिन कोई कृष्ण का प्रति किसकी प्रेम होनी चाहिए ना, कृष्ण के प्रति किसको भावना होनी चाहिए ना, तभी तो ये रासलीला को सुन सकते हैं। लेकिन ये रासलीला सभी सुनने का लायक नहीं है, है? इसको कोई सुनने का लायक नहीं। उदाहरण दिया है, जैसे तुम्हारे पास में कुछ हीरे जवाहरात है, तुम कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, अगर किसको पास में तुम रख करके जाना चाहते हो, अब किसको पास में रख कर जाओगे, जिसको ऊपर में तुम विश्वास हो, जिसको जिसको पास में हीरे जवाहरात को रख कर नहीं जाते, ऐसे ही ये तो मार नहीं लगा इसको। अब बड़े बड़े व्यक्तियों को बुद्धि भी ये खराब कर देता है, हाँ ये पैसा ऐसे की चीज है, बड़े बड़े बुद्धि लोगों का भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है इस चीज को देख करके। इसलिए पहले सोचोगे ये क्या ईमानदारी है क्या, ऐसे नहीं आने के बाद बोलेगा तुमने क्या दिया था हमें पता ही नहीं। पहले लोग ऐसे होता था ना, कहीं बाहर जाते थे कीमती कोई चीज होता ना, किसी विश्वास पात्र को रख कर जाते थे, क्यों घर में ऐसे आलमारी नहीं होता था, चाबी नहीं होता था, घर में पहले खोल कर रख देते थे। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी अभी ये रासलीला रूपी दिव्य रंग को अभी सोच रहे हैं, यहाँ पर कोई क्या सचमुच से कोई विश्वासी पात्र है जिसको ये रासलीला सुनाए। एक उदाहरण दिया, जैसे तुम्हारे पास में बहुत बढ़िया कोई कलर है, रंग बेच रहे हो, है रंग बेच रहे हो, लेकिन अभी वो रंग कहाँ पर पकड़ेगा, अगर किसका कपड़ा अगर एकदम प्योर सफेद कपड़ा हो ना, एकदम प्योर सफेद कपड़ा हो, फिर वो रंग में डूबोगे तो क्या होगा, कलर पता चला क्या चोखा रंग है, हाँ चोखा रंग है। अगर कोई काला कपड़ा हो फिर रंग चढ़ेगा, चढ़ेगा उसके ऊपर में, वो चढ़ेगा नहीं, एकदम सफेद कलर होनी चाहिए जिसके ऊपर में ये रंग चढ़ता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी देखे यहाँ पर ऐसे कोई श्रोता है कि नहीं जो ये कथा को समझने वाले हो, सारी तरफ में देख रहे थे बोले कोई है नहीं अधिकारी। लेकिन जब उन्होंने परीक्षित महाराज को देखे ना, बस बोले एक श्रोता, एक गंभीर श्रोता बैठा हुआ है, हाँ जिसको पर ये रंग हमारे पास में जो बढ़िया रंग है, ये रासलीला रूपी जो रंग है, इसको इसको कोई सुनने का लायक है, हाँ ये रंग इसको पर चढ़ सकता है, फिर उन्होंने कथा सुनाई। इसलिए जितने ग्रंथ देखो सब शंकर पार्वती का संवाद है, शंकर जी बोल रहे और माता पार्वती सुन रहे। क्यों, पार्वती अच्छी श्रोता है, हाँ ऐसे अच्छी श्रोता है, एकदम टकटक ला कर, कल सुन रहे थे ना मछली, मछली क्या करता है पूरा आग खोल करके खीरी समुद्र में कहती ये दूध को ये पान करता रहता है, ये इसलिए श्रोता ऐसे होने चाहिए, आग खोल करके बैठ करके एक मन से कथाओं को सुने, तभी वक्ता बोल सकता है। इसलिए शंकर जी पार्वती को उन्होंने आलिंगन किया, बोले चूंकि तू राधा जी की प्रकाश हो इसलिए तुमने इतने सुंदर तुमने प्रश्न तुमने किए, धन्य हो गया है। अभी अब देखना, अब जैसे प्रश्न करोगे ना, जो वक्ता होता है उसका हृदय में वैसी भाव आएगी, है अगर दुनियादारी की बैठ कर बात करोगे फिर क्या होगा, फिर दुनियादारी की उसका मन में दुनियादारी की बात आएगी। जैसे प्रश्न करोगे, अगर जैसे श्री स्वर्णकादि ऋषियों ने सुतो गोस्वामी को 6 प्रश्न किया, लेकिन ये सब के सब भगवत संबंधी प्रश्न थी, इसलिए जिसको सुन करके श्री सुतो गोस्वामी के लोम हर्षण जिसकी रोम रोम खिल उठा, बोले वाह तुमने कितने सुंदर प्रश्न किया, जिसकी उत्तर में केवल हमें भगवत चर्चा केवल करने को मिलेगा और कोई चर्चा नहीं होगी, दुनियादारी की कोई चर्चा नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर शंकर जी बड़े खुश हो गए, खुश हो करके फिर उनने उत्तर दिया है, बोले उनका एक नाम गौरव हरी,
बोले गौर हरि नाम क्यों पड़ा, बोले गोरी श्री राधा रानी हरि कृष्ण, गोरी राधा रानी और हरि कृष्ण, चूंकि ये दोनों मिल करके श्री सचिनंदन गौर हरि रूप में जगत में आए हैं, दोनों मिल करके, इसलिए हमारे स्वरूप दामोदर कहते हैं बोले राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रस्मात देकात्मना भूवि पुरा देह भेद चैतन्याख प्रकट मधुना तद्वयम चैतमाक्तम राधा भाव दुति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। श्लोक याद है, श्लोक याद कर लेना। इसलिए शंकर जी बोले कहते ये श्री सचिनंदन गौर हरि है, कौन श्री सचिनंदन गौर हरि, कहते राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रस्मात। अगर राधा रानी को बताया जाए राधा रानी है कौन, अगर कोई बोले एक शब्द में बताया जाएगा राधा कृष्ण प्रणय विकृति, राधा रानी और कोई नहीं, अगर कृष्ण प्रेम को अगर तुमने एक रूप धारण करा लोगे, कृष्ण प्रेम है क्या चीज, वो कौन है, श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए बोले राधा रानी का दो रूप है, कहते एक मूर्त है और एक अमूर्त है। बोले मूर्त मतलब जैसे मंदिर में राधा रानी है ये मूर्ति रूप में, बोले अमूर्त, अमूर्त मतलब जिसकी मूर्ति नहीं भाव रूप में, एक तो मूर्ति रूप में और राधा रानी एक भाव रूप में। भाव रूप में जैसे बताए कि जैसे अगर आप बोले कि राधा रानी क्या, हम कहते राधे 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 राधे, राधा है क्या चीज है, ये तो मूर्ति रूप में है, फिर अमूर्त रूप में राधा रानी कौन है, तो उन्होंने बताया ये प्रेम स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुर रानी। बोले महाभाव क्या चीज होता है, ये महाभाव चीज क्या होता है, फिर उसको उदाहरण दिया जो भक्ति वो कहाँ से शुरू होता है, बोले श्रद्धा से, भक्ति श्रद्धा से, जैसे श्रद्धा है तभी तो हम कथा सुनते हैं कीर्तन करते तिलक कंठी लगाते, श्रद्धा नहीं हुआ तो हम करते नहीं है, इसलिए भक्ति श्रद्धा से शुरू होती है। श्रद्धा वही श्रद्धा बढ़ते बढ़ते क्या होता है, साधु संग करते साधु संग, फिर उसको बाद में साधु संग से अपना स्वरूप पता चलता है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का जो स्वरूप है वो भगवान की नित्य दास है, फिर क्या करता है, फिर भजन करना शुरू करता है, भजन क्रिया, भजन करने पर फिर धीरे धीरे उसकी अनर्थ खत्म होता है, असतृष्णा हृदय द्रौबल्य अपराध है, ये सब के सब धीरे 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 हृदय से खत्म होता है, इसे जब खत्म होता है उसके बाद में फिर रुचि आती है, हाँ फिर उसके बाद फिर निष्ठा आती है, एकदम पक्के बन जाती है, फिर भक्ति छूटती नहीं, उसके बाद में फिर भाव, फिर लास्ट में जाकर के प्रेम, हाँ लास्ट में जाकर के प्रेम, फिर जब प्रेम प्राप्त होता है, प्रेम प्राप्त होने पर वही प्रेम ही उदाहरण देते जैसे दूध को गर्म करते करते जितने गर्म करो ना वो गाढ़ा होता है, हैं, और जब गाढ़ा बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है फिर क्या हो जाता है, राबड़ी भर जाती है, राबड़ी खाओ कितना आनंद आता है, तो उसी तरह जो प्रेम जब ये घनीभूत अवस्था धारण करता है यही प्रेम स्नेह रूप में, फिर स्नेह प्रेमान रूप में, हैं, फिर मान क्या रूप में, प्रणय रूप में, उसके बाद में स्नेह मान प्रणय, फिर राग, फिर अनुराग, फिर प्रेम जाकर भाव और जाकर के महाभाव, मतलब जो पूरा राबड़ी बन जाता है ना, ये राबड़ी कौन है, श्रीमती राधा रानी, मतलब राबड़ी मतलब क्या है, मतलब भाव ही, कहते ये जब गाढ़ रूप धारण करता है भगवान के प्रति हैं गाढ़ रूप, इसलिए बोले देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परादेवता, इसलिए बोले राधा रानी की अलग अलग नाम बताए, देवी विद्युतमाना परम सुंदरी, कृष्णमयी कृष्ण जिसके बाहर भी है भीतरी भी है, देवी कृष्णमयी राधिका, राधिका मतलब जिया क्या है, कृष्ण को जो आराधना करती है, कृष्ण भी जिनको आराधना करती है, परा देवता जितने देवियों में सर्वश्रेष्ठ देवी श्रीमती राधा रानी, परा देवता कृष्ण देवी कृष्ण राधिका परा देवता सर्व लक्ष्मीमयी, मतलब समस्त लक्ष्मी जिससे प्रकट होती है, सर्व लक्ष्मीमयी परा भगवान की पराशक्ति कौन, राधा रानी सर्वश्रेष्ठ शक्ति, इसलिए सर्व कांति मतलब
समस्त इच्छाओं को जो पूर्ण करने वाले कौन है? श्री राधा रानी सन्मोहिनी परा, मतलब दुनिया कृष्ण को, हाँ कृष्ण दुनिया को मोहित करते हैं लेकिन कृष्ण को मोहित कौन करती है? राधा रानी। इसलिए यहाँ पर शंकर जी कहते पार्वती कहते ये कौन है? राधा रानी कृष्ण प्रेम ही एक मूर्ति रूप तब धारण करती है, वो श्रीमती राधा रानी। इसलिए कहते राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रस्मात देखात्मना भूपुरा देह भेद गतो, तो बोले तत्वतः राधा कृष्ण कोई अलग नहीं, वो एक ही है, राधा कृष्ण एक ही है, हैं? कहते एक समय कृष्ण गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष को नीचे कृष्ण खड़े हुए, अभी वो सोच रहे हैं मैं लीला करूं, लेकिन एक स्वरूप से लीला कैसे करे, एक में तो कोई खुला कर सकता है? इसलिए उन्होंने जब इच्छा की तब कृष्ण की बाम अंग से कहते श्रीमती राधा रानी बाम अंग से प्रकट हुई, इसलिए रासलीला से प्रकट हुई, इसलिए पहला अक्षर हो गया रा। प्रकट होकर के सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करके कृष्ण की पूजा करने के लिए दौड़ी, इसलिए उनका नाम हो गया राधा नाम हो गया, मतलब एक से तो दो हो गए हैं। फिर उससे फिर अनंत रूप में कहते राधा रानी अनंत रूप में फिर प्रकाशित हुई, फिर डान अंग से बलदेव प्रभु, वहां से सारे अवतार प्रकाशित हुए। इसलिए कि तत्व तो अलग नहीं है, तत्व तो एक है, एक आत्मा दो देह, इसलिए जापी राधा सापी कृष्ण, जो राधा वही कृष्ण और जो कृष्ण वही राधा है, जापी राधा सापी कृष्ण जारा था श्याम है बस एक ज्योति दिधा भिन्न, एक ज्योति ही वो दो रूप में प्रकाशित हुई। उदाहरण दिया जैसे कोई एक जड़ हो, एक जड़ से जड़ तो एक है लेकिन उसमें दो कमल फूल हुआ खिले। दूसरा उदाहरण दिया जैसे दिया होता है ना, तेल एक जगह पर लेकिन दो तरफ में दो जैसे दिया जल रही है, कि कौन है? राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण तत्व तो हो, तत्व तो हो एक होते हुए भी दो, दो होते हुए भी एक है। अभी कलयुग में उन्होंने क्या किया, बोले राधा भाव द्युति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, कृष्ण ही कलयुग में राधा रानी की भाव और अंग कांति लेकर के ये कलयुग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि रूप में प्रकट हुए। श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, इसलिए उनका नाम है गौर हरि, मतलब गौरी राधा रानी हरि कृष्ण, ये दोनों मिलकर के अंत कृष्ण बहिर्गौर, वो अंदर में तो कृष्ण है लेकिन बाहर में क्या है? गौर रूप में प्रकट हुए हैं। जैसे राधा रानी क्या की, कृष्ण को ऐसे आलिंगन करके खड़ी है, बोले क्यों आलिंगन क्यों की, बोले कारण है जब वही कृष्ण राधा रानी की भाव को आस्वादन करने के लिए आ रहे थे, राधा रानी जानती हैं मैं कृष्ण प्रेम में कैसे पछाड़ खा कर गिरती हूँ, कृष्ण प्रेम में कैसे पागलिनी होती हूँ, हैं? इसलिए सब बंगला में तरह तरह का भजन, बोले कृष्ण राधा रानी कहती है श्याम सुंदर मैं कैसे तेरे विरह में तड़फड़ाती हूँ, अगर तू कभी राधा बनोगे ना तब तुझे पता चलेगा, मैं कैसे तेरे प्रेम में दीवानी हूँ पागलिनी हूँ, अगर कभी तुमने बनी तो कभी राधा रानी तब पता चलेगा मैं कैसे तड़फड़ाती हूँ, तेरे प्रेम में तड़फड़ाती हूँ, हैं? इसलिए कहते राधा भाव दूत सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, तब उन्होंने कृष्ण को आलिंगन क्यों की, बोले कारण है जब मैं पछाड़ खाकर गिरती हूँ कृष्ण प्रेम में, हैं? कष्ट होता है ना, कष्ट होता है, अभी तुम भी तो मेरे भाव को लेकर के जा रहे हो, कैसे मैं कृष्ण प्रेम का आस्वादन करती हूँ, तुम तो मेरे भाव को लेकर जा रहे हो, तुम भी पछाड़ खाकर गिरोगे, पछाड़ खाकर तुम भी गिरोगे लेकिन तुम्हारी शरीर को कितना कष्ट होगा। इसलिए राधा रानी गोपियां कभी कहते हैं हे श्याम सुंदर तुम्हारी चरण इतने इतने कोमल है, तुम्हारी चरण हम कभी अपना वक्ष स्थल में तुम्हारी चरण को रखने के लिए हमें कष्ट लगता है, इतने कठोर हमारे वक्ष स्थल, तुम्हारी चरण में तो कष्ट तो नहीं होगा, और उसी चरण में तू कहां वृंदावन में क्या कर रहे हो, गैया चराते हो, तुम्हारे प्यारे को नीचे कहीं कंकड़ गिरता होगा, कोई कांटा है यस, कहीं क्या क्या तो पड़ा हुआ, तुमको कितने कष्ट होगा, हाँ कितने कष्ट होता होगा। इसलिए कहते यहाँ पर उन्होंने, इसलिए उन्होंने राधा रानी क्या की, कृष्ण को पूरा आलिंगन करके रखी है, अगर गिरोगे तो मेरे ऊपर लगेगा, तेरे ऊपर में कोई कष्ट नहीं होगा, हैं? इसलिए उनका नाम गौर हरि,
बोले उनका एक नाम है गौरांग है, क्यों गौरांग नाम पड़ा, उन्होंने राधा जी की भाव को और अंग कांति को लेकर के आए हैं, इसलिए उनका नाम एक गौरांग। कहते इनका एक नाम चैतन्य, बोले चैतन्य नाम क्यों पड़ा, बोले इसलिए चैतन्य नाम पड़ा जब जगत में कुछ भी नहीं था, एक चेतनता स्वरूप में आप ही जगत में थे, हैं आप ही जगत में थे, इसलिए कहते ना पहले वो एक थे, एक से दो हुए, कौन हुए राधा और कृष्ण हुए, एक से दो हुए, तब वो एक थे तो कौन था वो एक, जिसको वेद कहता है एक अपि बहुश्याम, में पहले एक ही था फिर बहु बना, जिसको वेद कहता है एक मेव अद्वितीयम, हम कहते ना वो एक भगवान, कहते ना भगवान एक, भगवान दो नहीं भगवान एक, तो वो एक थे तो कौन थे भगवान एक रूप में, कहते एक रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु थे, इसलिए प्रभुपाद है, इसलिए प्रभुपाद जब उन्होंने कहते जो जन्मादश श्लोक को जो व्याख्या करते हैं बल्लभाचार्य, तो बताइए ये कौन है, कौन है कृष्णा, उन्होंने उस श्लोक को कृष्ण पर व्याख्या किया, सत्यम परम धीमही, वो परम सत्य कौन है, बोले भगवान कृष्णचंद्र जी, हाँ विश्वनाथ चकुर ठाकुर कहते हैं बोले केवल उन्होंने कृष्ण को ध्यान नहीं किया, श्रीमती राधा रानी को ध्यान किया, इसलिए परम शब्द मतलब जो उनकी जो पराशक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी है। तो प्रभुपाद कहते हैं, कहते उन्होंने केवल राधा कृष्ण को वंदना नहीं किया, कहते श्री सचिदानंदन गौर हरि को भी उन्होंने वंदना किया, क्योंकि सचिदानंदन गौर हरि कौन है, कहते ये राधा कृष्ण का मिलित तनु श्री चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु, इसलिए उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने प्रणाम किया है, इसलिए कहते उनका एक नाम विश्वम्भर है। कहते विश्वम्भर नाम क्यों पड़ा, बोले जो विश्व ब्रह्मांड को जो भरण पोषण करते हैं, हैं बोले उन्होंने दो रूप में भरण पोषण करते हैं, चैतन्य महाप्रभु आने से पहले ये जो पृथ्वी बड़ी सुंदर श्रद्धा जगह, ठाकुर आ रहे ना भगवान है, साधारण मंत्री आए तो कितना सजावट होता है, इसलिए महाप्रभु आने से पहले हरा भरा नवद्वीप हो गया, धान शस्य फल फूल से पूरा पूरा लत गए, इसलिए नीलांबर चक्रवर्ती बोले इसका नाम रहेगा श्री है विश्वम्भर रहेगा, कारण है ये जन्म होने पर पूरा ये पृथ्वी ससात एकदम हरी भरी हो गई, फल फूल से लत गई, विश्व को जो भरण पोषण करते हैं, लेकिन दूसरे अर्थ में बताए किस रूप में भरण पोषण करते, केवल का खाना पीना देख रहे भरण पोषण करते, बोले नहीं, कहते इन्होंने आकर के जगत में हरी भक्ति को हरी नाम को जगत में ये प्रचार और ये प्रसार करेगा, दुनिया में हरी भक्ति को ये प्रचार प्रसार करेगा, इसलिए जगत को भक्ति को द्वारा ये भरण पोषण करेगा, इसलिए इनका एक नाम श्री विश्वम्भर नाम पड़ा है, इसलिए शंकर जी पार्वती को उन्होंने ये समस्त कथा उन्होंने सुनाए, उनको अलग 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 नाम जगत में, इसलिए इनका नाम क्यों पड़ा है, तब उन्होंने ये बोलते बोलते उन्होंने श्री नवद्वीप धाम की फिर उन्होंने महिमा बताई कि नवद्वीप धाम का क्या महिमा है, क्यों इतने महिमा श्री नवद्वीप धाम को, तो उन्होंने पार्वती पार्वती को शंकर जी कहते बोले एक समय हैं श्री अनंत देव वो गए महाविष्णु के पास में, महाविष्णु के पास में जाकर के बोले बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से सारे धाम हमने गया है, लेकिन अभी तक एक धाम में नहीं जा पाया, बोले कहाँ नहीं जा पाया, कहते श्री वृंदावन, श्री वृंदावन नहीं जा पाया, इसलिए आप थोड़ा आशीर्वाद करो, जैसे मैं थोड़ी वृंदावन धाम को मैं जा सकूं, वृंदावन धाम दर्शन करो, हैं इतना सुन करके महाविष्णु कहते हैं अगर कोई व्यक्ति बोले हम कुत्ते का पूछ पकड़ करके समुद्र पार हो जाए, कुत्ते का पूछ पकड़ कोई समुद्र पार हो जाए, कुत्ते खुद डूब जाएगा तुमको भी डुबा देगा, और काट भी काट देगा ना पूछ पकड़ते तो काट लेगा, इसलिए बोले बोले भैया तुम जो बोल रहे हो ना सिर्फ वृंदावन धाम दर्शन करना, वो इतना आसानी नहीं वृंदावन धाम दर्शन करना, हाँ इतने आसानी नहीं, कहते वृंदावन धाम की इतने महिमा है, तब श्री महाविष्णु ये वृंदावन धाम की महिमा बोले बोले जानते हो वृंदावन धाम क्या महिमा, बोले क्या महिमा है,
कहते वहां पर जितने पर्वत है वो पर्वत नहीं, गिरिराज गोवर्धन कौन है, ये विष्णु पर्वत स्वयं विष्णु है, और गिरिराज गोवर्धन स्वयं कृष्ण का रूप भी है। और राधा रानी तो कहती है हंताय अद्री अबला हरिदास वर्ज, हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ श्री गिरिराज गोवर्धन। बोले गिरिराज महाराज की जय। इसलिए गिरिराज गोवर्धन कोई पहाड़ नहीं, ये कौन है गिरिराज गोवर्धन, साक्षात भगवान श्री विष्णु। कहते ये नंदगाम क्या है, ये नंदीश्वर पर्वत है, ये स्वयं शंकर जी राधा कृष्ण की सेवा के लिए उन्होंने पर्वत रूप में प्रकट हुए। कहते ये जो बरसना ये कौन है, ये ब्रह्माचल पर्वत, ये स्वयं श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसलिए ब्रजमंडल में जितने पर्वत है ना वो सखीगिरी पर्वत है, जैसे अष्ट सखी है ना, ललिता विशाखा चंपकलता तुंग विद्या चित्रा सुचित्रा रंग देवी सुदेवी, ये सबके सब पर्वत रूप में प्रकट हुए। इस बार ब्रजमंडल परिक्रमा में कौन गया था, तुम तो गए थे ना, अभी 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 जो गया था तुम तीनों गए थे ना, हम लोग गए थे ना, जब ब्रजवासियों की इच्छा हुई हम समस्त धाम को दर्शन करना चाहते हैं, तुम गए थे ना, समस्त पृथ्वी का सारे तीर्थों को दर्शन करना चाहते हैं, तो कृष्ण कहाँ पर लेकर गए, बोलो कामे वन में लेकर गए। बोले हाथ जोड़ करके आंख बंद करके सारे तीर्थों को स्मरण करो, क्या तो पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर प्रकट हुए, वहां पर देखा है ना, क्या है केदारनाथ पर्वत रूप में ब्रजमंडल में। बोले शंकर जी स्वयं केदारनाथ पर प्रकट हुए, और बद्रीनाथ है वहां पर गया, बद्रीनाथ दर्शन किया, और तो गंगोत्री जमुनोत्री देखा कि नहीं धार रूप में, देव सरोवर देव सरोवर अंदर चलते चलते गए ना, देव सरोवर दर्शन किया, और वहां पर लक्ष्मण झूला है, और गणेश पर्वत है, और वहां पर हरिद्वार हरि की पौड़ी, हरि की पौड़ी वहीं पर है, नर नारायण जो पर्वत है नर नारायण पर्वत है। कहते वहां पर हम तो थोड़ी दूर गए, थोड़ी दर्शन किया, वहां पर सारे पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है वो सबके सब वही प्रकट हुए। इसलिए कहते ब्रज मंडल में जितने पहाड़ है ना वो पहाड़ नहीं, ये सबके सब ठाकुर ही पहाड़ रूप में प्रकट हुए है, प्रकट हुए हैं। इसलिए और वहां के जो तालाब है, कहते भैया वहां के तालाब तालाब नहीं, प्रेम सरोवर है। कथा सब ब्रजमंडली कथा सुन रहे थे ना, प्रभु जी कथा सुना रहे कि नहीं, प्रेम सरोवर क्या है, राधा कृष्ण स्वयं, कहते ये प्रेम रूप में है, राधा रानी की प्रेम ही ये सरोवर रूप में प्रकट हुआ है। वो प्रेम सरोवर राधा कृष्ण दोनों द्रवीभूत होकर के वो कुंड बने हुए हैं। राधा कुंड क्या है, राधा रानी ही कुंड रूप में प्रकट हुई, ये कुंड नहीं स्वयं श्री राधा रानी। और पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ किसमें है, राधा कुंड। राधा कुंड में कोई स्नान कर लिया मतलब पृथ्वी का सारे तीर्थ में तुम्हारी स्नान हो गया है। कृष्ण कुंड कौन है, ये कृष्ण स्वयं ही कुंड रूप में प्रकट हो गए। मानसी गंगा क्या है, जब ब्रजवासियों की इच्छा हुई हम गंगा स्नान करने जाएंगे, कृष्ण ने क्या किया, अपना मन मन में गंगा को स्मरण किया, तो गंगा स्वयं वहीं पर प्रकट हो गई। इसलिए कौन है, मानसी गंगा, कृष्ण से जो हृदय से प्रकट हुई। साधारण गंगा कहाँ से प्रकट हुई है, चरणों से, भगवान की वामन देव का चरण की है। जब वामन देव का एक चरण कहाँ पर पहुंचे, ब्रह्मलोक में ब्रिजा, हाँ उनका चरण जाकर ब्रिजा भी पहुंची तो बस ब्रह्मांड कटा फट करके गिर गिरिरा, ये कौन गंगा देवी प्रकट हुई। बा भगवान की चरण को ब्रह्मा जी अभिषेक करके वो चरणामृत रखे कमंडल में, ये कौन हो गई, गंगा है। लेकिन जो ब्रजमंडल में जो गंगा है उससे बहुत ज्यादा महत्व है। साधारण गंगा में नहाने को जो जितने आपको भक्ति मिलेगी उससे ज्यादा मिलेगी, क्यों, ये कृष्ण की मन से ये गंगा प्रकट हुई, और वो जो गंगा है वामन देव का चरण से वो गंगा प्रकट हुई है, इसलिए इसका ज्यादा महत्व है। कहते पावन सरोवर कहाँ पर, पावन सरोवर नंदगांव में, वहां पर बताए पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ हमें नहाने से जो फल मिलेगा, कहते वही फल मिलता है श्री पावन सरोवर में स्नान करने का। विमला कुंड गए, गए थी ने क्या, विमला कुंड कौन है, यह कहते जब तीर्थराज प्रयाग किसी कारण से जो अभिमान करके नहीं आए
और वहीं से साक्षात श्री हैं स्वयं वहां पर स्वयं प्रयागराज तीर्थ वहां पर प्रकट हो गए, प्रयाग तीर्थ वहीं पर प्रकट हो गए। इसलिए कहते विमल विमल कुंड, इसलिए वहां पर जितने वृंदावन में जितने सब कुंड हैं, और कौन सा कुंड बाकी रह गया, मानसरोवर गए कि नहीं, मानसरोवर, मानसरोवर कैसे प्रकट हुई, राधा रानी मान करके उनका आंखों से ही ये सरोवर, इनकी आंखों का आंसू से ही सरोवर बना हुआ। मतलब ब्रज मंडल में कहते जितने पर्वत है पर्वत पर्वत नहीं, और जितने सारे वहां पर तीर्थ तीर्थ नहीं, ये राधा कृष्ण का प्रेम ही द्रव्यभूत बन करके ये हुए, कौन हुए, सब सरोवर और नदी बने हैं। और यमुना नदी तो स्वयं कहते यमुना नदी कौन है, पटरानी, कौन है, पटरानी। हाँ, इसलिए भगवान की वृंदावन में जब है वो विशाखा सखी ही ये श्री यमुना पटरानी, जब वही पर द्वारका में जाती है, मथुरा में जाती है कृष्ण की, पर पटरानी बनती है। इसलिए इसका क्या श्लोक है, चिदानंद भानु सदानंद सुनो कर प्राति अघानाम लभेत्री। इसलिए कहते ये राधा कृष्ण का प्रेम ही जब ये द्रव्यूत होकर के बहती है, ये कौन है, श्री यमुना महारानी। बोली यमुना महारानी कैसे प्रकट हुई, कभी कृष्ण अपना प्रेम को कृष्ण कभी सुने हैं, प्रेम जब सुने, इतने में मैया जसोदा मोटी मोटी काजल लगा कर रखी थी, कृष्ण अपना प्रेम की बात सुन करके कृष्णा क्या हुई, कहते कृष्ण का शरीर से पसीना बही, जब पसीना निकली वो काजल में लग गया, क्या बन गया, काली बन गई। जब ये उनका काला बहते 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 उनका बख्य स्थल उनका चरण को स्पर्श करते हुए जो बहती है, ये कौन है, यमुना महारानी। बोले गिरिराज कौन है, बोले राधा कृष्ण का जो प्रेम अगर कहीं जम करके एक जगह इकट्ठा हो जाए, जम करके इकट्ठा अगर कहीं हो जाता है, कभी ये क्या बन जाता है, श्री गिरिराज गोवर्धन बन जाता है। इसलिए श्री महाविष्णु सब कथा सुना रहे हैं, किसको, महाविष्णु किसको सुना रहे, आनंद देव को सुना रहे। बोले देखो तुम जिस ब्रजधाम में जाना चाहते हो इतना सहज मत समझो, कहते किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां केशव के कली कुंज कोटि कोटि काशी है, और गोपिनी की द्वार पे बसत है हरिद्वार बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग हम ले करे करे किया जानते नहीं है श्री श्री हम श्री वृंदावन वासी है। इसलिए वृंदावन की राधा रानी की जहाँ एक एक पग पड़ता है, किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, और केशव के जो कली कुंज करोड़ करोड़ काशी है, गोपिनी के द्वार पर है बसत है हरिद्वार, अब बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे भैया जो वृंदावन धाम तुम जो सहज समझ रहे हो ना, अभी भी माँ लक्ष्मी बैठी करके कहाँ पर बेलवन में गई थी ना, कि नहीं इस बार गई कि नहीं गई, हाँ, इसलिए बेलवन में जमुना का उस पार में बैठी करके तपस्या अभी भी कर रही है, कहाँ पर श्री वृंदावन धाम में प्रवेश करने के लिए अभी भी बैठी करके ये तपस्या कर रही है, विश्वनाथ चकुटार कहते अभी तक भी वो प्रवेश नहीं कर पाई, कौन नहीं प्रवेश कर पाई, और हमारी बात छोड़ कर जो लक्ष्मी वहां पर प्रवेश नहीं कर पाई है, लक्ष्मी अभी भी बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रवेश अधिकार की नहीं हुई, कहीं क्योंकि उन्होंने अपना अभिमान को छोड़े नहीं, हम लक्ष्मी है। जब बोले देखो कृष्ण, बोले देखो अगर वृंदावन में प्रवेश करना चाहता है ना, रास में एक काम करना पड़ेगा, बोले क्या है, बोले गोपी घर में जन्म लेना पड़ेगा, बोले ठीक है ले लूंगी, और क्या करना पड़ेगा, उनके घर में कंडा थपथपाना पड़ेगा, गोबर की बना सकते हो, बोले हाँ ये भी कर लूंगी, बोले वहां पर दधि मथन करना पड़ेगा है, और बोले ये भी कर लूंगी, बोले देखो तेरी जो शादी मेरे से नहीं होगी और किसी गोप से होगा, जैसे वो मेरे को छुप छुप कर प्रेम करते ऐसे करना पड़ेगा, बोले ये कैसे हो सकता है, शादी आपसे मैं कर सकती हूँ है, नारायण कृष्ण की है, लेकिन और किसी गोप से शादी करके वो जैसे छुप करके प्रेम करते ये तो मैं नहीं कर सकती। बोले भैया फिर तो बैठ कर तपस्या पर करते रहो, यहीं पर करते रहो। इसलिए कहते बिहाय कामान सुचिरा धृत व्रता, इसलिए नाग पत्नी कहती है जिस भगवान को कृष्ण को पाने के लिए ब्रज में रास में प्रवेश करने के लिए
समस्त कामना को छोड़ करके, वैकुंठ शोक को छोड़ करके अभी भी लक्ष्मी बैठ करके तपस्या कर रही है। सब जगह में देखोगे लक्ष्मी को ऐसे हाथ करके बैठती है, लेकिन वहां पर कैसे बैठी हुई, हाथ जोड़ कर बैठी हुई, कोशिश कर रहे हैं प्रवेश करने के लिए, प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए श्री अनंत देव कहते हैं, देखो तुम जितना सहज समझ रहे हो वृंदावन धाम, इतनी सहज है नहीं, इतने सहज नहीं वृंदावन धाम में प्रवेश करना। उद्धव भी जहाँ पर तीर्ण गुल्म औषध वृक्ष रूप में जन्म लेना चाहते हैं, जहाँ देव देव महादेव, जोगी जोगी महादेव, सत्यम शिवम सुंदरम, अभी भी बैठे करके शंकर जी क्या कर रहे, दरवान की काम कर रहे, क्या काम कर रहे, द्वारपाल का काम कर रहे। शंकर जैसे व्यक्ति, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति जहाँ की पत्थर जन्म लेना चाहते हैं, हैं? पत्थर जन्म मतलब कहाँ पर, ब्रज की बाहर, जहाँ पर छोटे जाति के लोग रहते हैं, कहते प्रभु उनको घर को सामने अगर मेरी पत्थर जन्म हो जाएगा, वो अगर मेरे पत्थर मान करके अपना चरण को रगड़ेंगे तो मैं अपना जीवन को धन्य मानूंगा। किसी ने पूछा, ब्रह्मा जी आप इतने बड़े हो, जगत का सृष्टि करने वाले, आप कह रहे हो छोटे जाति की घर को सामने पत्थर जन्म लेना चाहते क्यों? तब ब्रह्मा जी कहते, जत मुकुंदम जीवितम, भैया ये जो छोटे जाति ब्रज के बाहर रहते ना, ये भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। कहते कृष्ण का एक नाम मुकुंद, मुकुंद क्यों नाम पड़ा, बोले कुंद पुष्प ईव, यानी कि जो हंसी है वो जब कृष्ण हंसते है ना, एक फूल होता है कुंद फूल, वो कुंद फूल जो खिल जाती है बड़ी सुंदर लगती है। कहते कृष्ण का जो हंसी है ना वो कुंद पुष्प जैसे, बोले कृष्ण की हंसी ही जिनका प्राण है, कृष्ण का हंसी ही जिनकी प्राण। भैया मैंने तो इतना पुण्य नहीं कर पाए, जो कृष्ण का हंसी को ही जीवन का सर्वस्व समझे, अगर इनकी घर को सामने अगर इनकी भी चरण धूलि मिल जाए, मतलब यहाँ के जो साधारण जो छोटे जाति है वो भी कोई साधारण है नहीं, वो भी साधारण कोई है नहीं। इसलिए अगर वहाँ पत्थर जन्म हो जाए, अगर मेरे सर को पर चरण रगड़े तो मैं अपना जीवन को धन्य धन्य मानूंगा। कौन कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे, जगत सृष्टिकर्ता सब कह रहे। इसलिए श्री अनंत देव को महाविष्णु कहते, इतना आसानी है नहीं, तुम जिस वृंदावन धाम को दर्शन करना चाहते हो, वो स्वयं कहते हैं, बोले तुम्हारी बात छोड़ दो, मैं स्वयं कौन, महाविष्णु जी, महाविष्णु खीरद साई विष्णु, कारणदा साई विष्णु, कहते हम भी वृंदावन में दर्शन नहीं कर पाए, हम भी दर्शन नहीं कर पाए, तुम्हारी बात छोड़ दो भैया, इतना आसानी नहीं, कुत्ते का पूछ पकड़ कर समुद्र पार हो नहीं सकते हो। फिर उन्होंने कैसे वहां प्राप्त हो सकते हैं, फिर हम कल सुनेंगे अगर वृंदावन धाम हमारे कैसे दर्शन हो। फिर शंकर जी पार्वती को सुनाते और महाविष्णु नारद श्री अनंत देव को सुनाते, ठीक है, फिर हम कल सुनेंगे। आप लोग इस कथा सुनाएगा सर।